हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 का एग्जांपल नंबर 7 सॉल्व करेंगे और ये एग्जांपल इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जांपल है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सो दैट 3√2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमको नंबर दिया है 3√2, इसको इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे 3√2 है, तो 3 क्या होता है? 3 एक रैशनल नंबर होता है, क्योंकि 3 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, 3/1। रूट टू क्या होता है? रूट टू एक इरेशनल नंबर होता है, इसको हम पहले वाली वीडियो में प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव सारे क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं, ये प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, तो 3 एक रैशनल नंबर है, रूट टू एक इरेशनल नंबर है। अब यहाँ पे दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, यानी कि यहाँ पे 3√2 है, यानी कि 3 रैशनल नंबर है इंटू ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, और ये हम प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल में पढ़ चुके हैं कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो हमेशा इरेशनल नंबर के इक्वल होता है। ठीक है, वो हमेशा इरेशनल नंबर के इक्वल होता है, केवल एक केस में वो रैशनल नंबर के इक्वल होता है। किस केस में? अगर हम रैशनल नंबर 0 लेते हैं और इसके साथ कोई भी इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा? रैशनल नंबर आएगा, क्योंकि 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 के इक्वल आता है, और 0 क्या होता है? रैशनल नंबर होता है, क्योंकि 0 को मतलब p/q के फॉर्म में ले सकते हैं, 0/1। ठीक है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर 0 हो सकता है। क्लियर है? तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर हम नॉन जीरो रैशनल नंबर लेते हैं, नॉन जीरो यानी कि जो जीरो ना हो, अगर हम नॉन जीरो रैशनल नंबर के साथ इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा हमको इरेशनल नंबर ही मिलता है। ठीक है, अगर जीरो लेंगे और जीरो को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो ही आता है, तो एक रैशनल नंबर होगा, केवल एक केस में रैशनल नंबर आता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी नंबर दिया है तो इस नंबर में एक रैशनल है और एक इरेशनल है। यहाँ पे जो रैशनल नंबर दिया है वो नॉन जीरो रैशनल नंबर है, तो नॉन जीरो रैशनल नंबर के साथ इरेशनल मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या आता है? इरेशनल नंबर आता है, और इसी को प्रूफ करना है कि कैसे वो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब प्रूफ कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो किसी भी नंबर्स का इरेशनलिटी प्रूफ करना होता है तो वहां पे हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि गिवन नंबर को पहले हम रैशनल नंबर एज्यूम कर लेंगे, उसके बाद उसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। तो प्रूफ पे आते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे लेट अस एज्यूम दैट 3√2 इज रैशनल नंबर। ठीक है, 3√2 को हम क्या मान लिए? रैशनल नंबर, यानी कि सही चीज को हम गलत मान लिए। ठीक है, रैशनल नंबर मान लिए। अब ध्यान से देखेंगे, तो किसी भी रैशनल नंबर को हम p/q या a/b के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 3√2 को भी हम a/b के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे a और b दोनों इंटीजर्स हैं और डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे वेरिएबल pq भी यूज कर सकते हो, mn भी यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर a and b are integers एंड b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पे हम जो भी फ्रैक्शन लेते हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लेते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का केवल कॉमन फैक्टर 1 हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि HCF ऑफ a एंड b क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, और वैसे दो नंबर्स जिनका HCF 1 होता है उसको हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स बोलते हैं, या फिर रिलेटिवली प्राइम, ये सब बता चुके हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो ये समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो b को हम इसके साथ मल्टीप्लाई, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3√2b इज इक्वल टू a। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना होता है? अच्छा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि स्क्वायर रूट वाले नंबर को अकेला करते हैं, यानी कि एक तरफ करते हैं, और सारे इंटीजर्स को एक तरफ करते हैं। तो यहाँ पे 3 क्या है? इंटीजर है। ए और बी भी क्या है? इंटीजर्स है। तो सारे इंटीजर्स को एक तरफ करेंगे इक्वल के, और रूट टू को एक तरफ रखेंगे इक्वल के। ठीक है, तो रूट टू को एक तरफ कर दिए, इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान से देखेंगे, ए एक रैशनल नंबर है, सॉरी रैशनल कह रहे हैं, ए एक इंटीजर है,
3 भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है, यानी कि सारे इंटीजर है। और हमको पता है कि जितने सारे इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो या फिर जीरो हो, जितने सारे इंटीजर्स होते हैं सारे रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि सबको हम p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2 एक इंटीजर है, तो 2 को हम 2 अपॉन 1 लिख सकते हैं, यानी कि ये p अपॉन q फॉर्म का है, तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। अगर हम -5 लेते हैं तो -5 को भी -5 अपॉन 1 लिख सकते हैं, तो इसको भी हम p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए, तो ये भी क्या हुआ, रैशनल नंबर हुआ। तो सारे इंटीजर्स क्या होते हैं, हमारे रैशनल नंबर होते हैं। तो a एक इंटीजर है, हम लेट किए माने हैं, तो अगर ये इंटीजर है तो ये रैशनल नंबर भी होगा, ठीक है। 3 भी एक इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है, तो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, इंटीजर्स ही होता है, तो ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा, ठीक है। अब जब दो रैशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, एक रैशनल नंबर ही आएगा, ठीक है ना। अगर हम दो रैशनल नंबर को जब डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, रैशनल नंबर, ठीक है। बस यहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी नॉन जीरो रैशनल नंबर लेते हैं तो डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या आता है, रैशनल नंबर ही आता है, क्लियर है। यानी कि रैशनल, दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, हमेशा क्या आता है, एक रैशनल नंबर ही निकल के आता है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखेंगे तो यहां से आ जाएगा रूट टू इज इक्वल टू, ये पूरा क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो लिख सकते हैं ये रैशनल नंबर, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, अब जब हम इसको सॉल्व किए फर्दर तो रूट टू रैशनल नंबर की इक्वल आ रहा है, लेकिन हम पहले ये प्रूफ कर चुके हैं कि रूट टू क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, ये पहले हम प्रूफ भी कर चुके हैं कि रूट टू क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, लेकिन यहां पे रूट टू रैशनल नंबर की इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो ये गलत रिजल्ट क्यों आ रहा है, गलत रिजल्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि हम शुरू में ही गलत चीज को एज्यूम कर लिए थे, यहां पे हम 3√2 को रैशनल नंबर मान लिए, जबकि हमको पता है कि 3√2 इरेशनल नंबर है, फिर भी हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम इसको क्या मान लिए, रैशनल नंबर। तो हम शुरुआत में ही इसको गलत एज्यूम कर लिए, तो जब अगर हम शुरुआत में इसको गलत एज्यूम कर लेंगे तो रिजल्ट भी क्या आएगा, गलत ही आएगा, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे, यहां पर हम फर्दर क्या लिखेंगे, फर्दर हम ये लिखेंगे कि बट दिस कॉन्ट्राडिक्स द फैक्ट दैट रूट टू इज इरेशनल नंबर, ठीक है, रूट टू इज इरेशनल नंबर, यानी कि इस बात को ये गलत साबित कर रहा है, ठीक है। तो बट दिस कॉन्ट्राडिक्स द फैक्ट दैट रूट टू इज इरेशनल, और ये कॉन्ट्राडिक्शन आया क्यों, कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आया क्योंकि हम 3√2 को रैशनल नंबर मान लिए थे, गलत मान लिए थे, ठीक है। तो लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग, या फिर इनकरेक्ट भी ले सकते हैं, इनकरेक्ट एजम्पशन या सपोजिशन, कुछ भी ले सकते हैं, एजम्पशन दैट 3√2 इज रैशनल, ठीक है। हम शुरुआत में ही गलत मान लिए थे कि 3√2 एक रैशनल नंबर है, तो अगर 3√2 रैशनल नहीं है तो फिर ये क्या होगा, इरेशनल ही होगा, क्योंकि नंबर्स दो ही होते हैं, रियल नंबर्स, रैशनल या फिर इरेशनल, तो अगर रैशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल होगा। यहां पर लिखेंगे हेंस 3√2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है, हेंस 3√2 इज इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, यही हमको प्रूव भी करना था, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से पूरा लिख के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे एक और बात, अगर क्वेश्चन में दिया है कि वेयर रूट टू इज इरेशनल, तो वहां पे हम केवल इतना ही सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है कि वेयर रूट टू इज इरेशनल नंबर, तो हम क्या करेंगे, साइड में रूट टू को इरेशनल प्रूफ कर देंगे शॉर्ट में, ठीक है। हम क्योंकि रूट टू को, रूट थ्री को कैसे इरेशनल प्रूफ किया जाता है उसको हम बताए हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो साइड में आप एग्जाम में प्रूफ कर देना कि रूट टू कैसे इरेशनल है, शॉर्ट में ही पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो वहां से एग्जाम में समझ जाएगा और फुल में फुल मार्क्स आने का चांसेस रहेगा। इस तरह क्या होगा कि अगर हम नहीं दिखाते हैं तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे एग्जामिनर फुल मार्क्स दे देते हैं, लेकिन मान लेते हैं एक दो एग्जामिनर हाफ मार्क्स काट भी सकते हैं, ठीक है, तो चांस नहीं लेना है, वहां पर आप दिखा सकते हो वहां पर, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, क्लियर है। चलिए फिर, होप कि समझ में आया होगा, अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप उसको जरूर कमेंट करें, ठीक है। चलिए फिर, इस वीडियो में यही क्वेश्चन रहेगा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, थैंक यू।